दोस्तों मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। हिंदी फिल्म संसार में कुछ ऐसे ललित गीत लिखे गए हैं जिन्हें सुनकर हम कविता में हो जाते हैं। इन गीतों में कहीं कविता का लालित्य है तो कहीं छंद की सुंदर छटा है, कहीं जीवन दर्शन है तो कहीं सुख दुख का मर्म है। आज जानी मानी साहित्यकार छायावाद के स्तंभ महादेवी वर्मा की याद का दिन है। उनका एक गीत फिल्म में शामिल किया गया है, तो उन्हें याद करते हुए वो गीत भी हम आपको सुनवा रहे हैं। कौन सा है वो गीत आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करके विविध भारती के फेसबुक पेज पर आप पहुंच सकते हैं। तो अब शुरू कर रहे हैं आज के कार्यक्रम का सिलसिला, ललित गीतों का सिलसिला। पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और बहुत आसान सा सवाल पूछ रहे हैं, आपको बताना है फिल्म का नाम गाना सुनकर। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण, सावन की घटा तेरे बालों में सिमटी, सावन की घटा तेरे गालों पे छिटकी, पूनम की छटा ओ पूनम की छटा, तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण, तेरा भी चकरा गया किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर च तेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया ना इधर जा सका, ना इधर जा सका ना उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण, फिल्म थी नवरंग। और यही हमारा सवाल था, सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, सही जवाब दिया है और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार हमें मिल रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि महादेवी वर्मा जी, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, उनके काव्य में विरह वेदना और भावनात्मक गहनता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य की साधना से और आधुनिक काव्य जगत को अपने योगदान से आलोकित किया है। उनकी कविताएं हमने स्कूल और कॉलेज में हिंदी विषय में बहुत पढ़ी हैं। तो कुछ लाइनें, अश्रु ये पानी नहीं है, ये व्यथा चंदन नहीं है, ये न समझो देव पूजा के सजीले
उपकरण ये, और इन्होंने गाने के बोल भी लिखे हैं जो शायद इन्हें पसंद हैं। और इसी तरह से आपको अगर याद आती हैं कुछ लाइनें तो आप लिख सकते हैं, और वो गीत जिनमें लालित्य है, जिनमें हिंदी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। कुछ ऐसे गीत रचे गए हैं हिंदी फिल्म संसार में जिसमें कविता का लालित्य है, छंद की छटा है, तो आपको याद करना है कुछ ऐसे गीत और आपको बताना है कि इन गीतों को सुनकर कभी आपको कुछ लिखने की प्रेरणा मिली, क्या कभी इन गीतों को सुनकर कुछ विचार करने का मन हुआ तो वो भी आप बता सकते हैं, और गीतों से जुड़ी हुई कोई खास स्मृति हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम हम बताए दे रहे हैं सरस्वती चंद्र, आपको बताना है संगीतकार का नाम और हीरोइन का नाम। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सबदन चंचल चितवन। किनारे कजरारे माथे पर सिंदूरी, सूरज होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सावधन चंचल चितवन। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना, चंदन सबदन चंचल चितवन। सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, हमने आपसे हीरोइन का नाम और संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही पहचाना और ज़्यादातर श्रोताओं ने हमें ये भी जानकारी दी, हीरो का नाम भी बताया है नूतन और मनीष कुमार, बिल्कुल सही आपने बताया है, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और हमारी एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, हिंदी कविता के संसार को देखें तो लगता है कि भाषा की भी अपनी एक अलग भंगिमा होती है, हाव भाव होते हैं, कविता के शब्दों में वो शक्ति निहित है जो दिलों को जीत लेती है। महादेवी वर्मा के लिखे गद्य हो या पद, चाहे जो भी पढ़ें, प्रत्येक में आपको रूप बोध का विराट आभास देखने को मिलेगा। आज महादेवी जी के जन्मदिन के बहाने उनकी याद का दिन है आज, हिंदी की महिमा के पन्ने पलटना और उनकी लिखी कविता को इस मंच पर याद करना बेहद सुखकर होगा। सामाजिक सरोकार अदब इल्म से जुड़ी हुनरमंद महादेवी वर्मा जी को मेरी आत्मीय श्रद्धांजलि। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपसे पूछते हैं और जानना चाहते हैं आपका जवाब क्या आता है। फिल्म है आम्रपाली, फिल्मी पर्दे पर कौन किसके लिए गा रही है ये गाना। तुम्हें याद करते करते
अम्रपाली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन किसके लिए गा रही हैं ये गाना, तो सभी श्रोताओं ने इसे सही पहचाना और हमें बताया है कि वैजयंती माला सुनील दत्त के लिए गा रही हैं, और बिल्कुल सही जवाब था, यही हमने आपसे जानना चाहा था और आपने जानकारी बिल्कुल सही दी है। वैसे भी आपकी जानकारी बड़ी पुख्ता है, ये हमें पता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पूछा है वो महादेवी वर्मा की कोई रचना जो फिल्म में शामिल हुई हो, तो उसका जवाब भी पहले ही दे दिया हमारे श्रोता ने। त्रिकोण का चौथा कोण फिल्म की फिल्म में शामिल किया गया महादेवी वर्मा की मूल रचना को, बिल्कुल सही बताया है। तो चलिए अब जिक्र इसका है तो हम यही सुनवाते हैं, यही गीत, यही रचना। त्रिकोण का चौथा कोण फिल्म का नाम है, महादेवी वर्मा की रचना है। आपको पहचानना है स्वर किसका है और संगीतकार का नाम बताना है, तो बताइए स्वर और संगीतकार। बन
त्रिकोण का चौथा कोण, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया, महादेवी वर्मा की रचना थी। और हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीतकार कौन, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, छाया गांगुली का स्वर था और संगीतकार थे जयदेव। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसी ललित कविताओं, ललित गीतों के बारे में भी आपको इतनी सम्यक जानकारी है और बिल्कुल सही जवाब आज आ रहे हैं लगातार। तो हमें आप बता सकते हैं कि ललित गीतों की क्या कभी प्रतियोगिता हुई है आपके बचपन में या पढ़ाई के दिनों में, स्कूल कॉलेज के दिनों में, या फिर बड़े होकर भी अंताक्षरी खेलते हैं कभी किसी मौके पर, खास आयोजन पर, तो इन गीतों की अंताक्षरी कभी खेली है? अगर नहीं खेली है तो देखिएगा कैसा लगता है, और फिर इसमें हार जीत बराबर होगा, क्योंकि सिर्फ फिल्मी गीतों की जब अंताक्षरी होती है तो कोई पक्ष हारता ही नहीं, सबको एक एक गाने याद आते रहते हैं। तो इस बार जरा अंताक्षरी खेलिएगा ललित गीतों की, और अगर आपने खेली है तो अपने अनुभव भी साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai। और अक्सर दोस्तों बचपन में जब हम कोई गीत सुनते हैं तो कई बार शब्द हमें गलत सुनाई पड़ते हैं और वो शब्द गलत ही गुनगुनाते हैं, गाते हैं, फिर जब बाद में हमें समझ में आता है तो अपने आप पर ही हंसी आती है। तो इस तरह की कोई याद है गीतों से जुड़ी हुई तो आप साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम साझा कर रहे हैं, आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की स्तंभ रही हैं और उनके गीत किसी पक्षी के समान है। जिस तरह एक पक्षी आकाश में उड़ान भरता है लेकिन फिर भी धरती से जुड़ा रहता है, उसी प्रकार कवि भी कल्पना के आकाश में उड़ता है लेकिन वो सदैव धरती से जुड़ा रहता है। वो आसमान में जाकर भी धरती पर लौटकर आता है। महादेवी जी को संगीत का भी ज्ञान, इसीलिए उनकी रचनाओं में नाद सौंदर्य भी नजर आता है। उनका काव्य गीत हो जाने के अधिक करीब महसूस होता है। इसी तरह आप अन्य गीतकारों के बारे में भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं, जो फिल्मी गीतकार रहे हैं लेकिन जिन्होंने कविता का प्रयोग किया, ललित शब्दों का प्रयोग किया। अब एक ऐसा ही गीत सुनवा रहे हैं फिल्म उत्सव से। आपको बताना है कि फिल्मी पर्दे पर किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गीत। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले
भी कह देगी बात सब निशिगंधा की सुर भी कह देगी बात सभी कपता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जानकारी दी है, कुछ गलत जानकारी भी साझा की है, गलत जवाब भी दिया है कुछ श्रोताओं ने। रेखा और शेखर सुमन पर फिल्माया गया था ये गाना और हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे हम अगला सवाल पूछ रहे हैं, फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना? हीरो का नाम आपको बताना है, चाहे तो आप हीरोइन का नाम भी बता सकते हैं। फिल्म है प्रेम पुजारी। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की गली तू, छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला, हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। जन्म हमें कई कई बार।
पुजारी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। आपको हीरो का नाम बताना था, आप चाहें तो हीरोइन का नाम भी बता सकते हैं। इसका सही जवाब हम देंगे थोड़ी देर बाद, पहले हम लेंगे ब्रेक। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल और आपसे पूछ रहे हैं, इस फिल्म में गीतकार और संगीतकार कौन है, इसका भी जवाब जरा दीजिएगा। तब तक हम लेते हैं ब्रेक। प्रेम पुजारी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था हीरो का नाम, और चाहे तो हीरोइन का नाम भी बता सकते हैं, देव आनंद और वहीदा रहमान। बाद में गीतकार संगीतकार का नाम पूछा, नीरज और सचिन देव बर्मन। इसका भी सही जवाब हमारे श्रोताओं ने दिया है। एक श्रोता ने जो अभी हमने ब्रेक लिया था, फिलर बजाया था, उसकी भी जानकारी दे दी है। हवा में उड़ता जाए धुन फिल्म बरसात की, मास्टर इब्राहिम अजमेरी क्लैरियोनेट पर। ये भी सही आपने बताया है और गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया है। अब जरा फिल्म का नाम बताइए गाना सुनकर। किसकी है आवाज ये भी आप बता सकते हैं। गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। छू लो तू मेरा गीत अमर।
बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे चला कर तू ये रीत अमर कर दू, नई रीत चला कर तू ये रीत अमर कर सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। प्रेम गीत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में, इंदीवर की रचना थी, जगजीत सिंह का संगीत था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, अतिरिक्त जानकारी भी श्रोताओं ने लिख भेजी है। राजबब्बर और अनीता राज हीरो हीरोइन होते हैं, ये भी सही आपने बताया है। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार भरत व्यास, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, नीरज कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने फिल्मी गीतों को भी नया आयाम दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि ये कवियों की कलम की देन है जो हम आज इतने सुंदर सुंदर गीत सुन रहे हैं, सभी गीतकारों को हमारा नमन। अब आगे बढ़ें और पूछें अगला सवाल, तैयार हैं आप? सती सावित्री फिल्म का गाना है, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बूझना है। तुम गगन के चंद्रमा
सती सावित्री फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, भरत व्यास और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और एक श्रोता ने लिखा है कि नीरज एक ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने गीतों को कविता जैसे सुंदर शब्दों से संवारा। हिंदी शब्दों का जो अभिनय प्रयोग उन्होंने किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनके सभी गीत दिल को छू जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। और नीरज ने बाकायदा फिल्मी दुनिया के लिए गीत लिखे। अब अगले सवाल की बारी है। आपको पहचानना है स्वर। बसंत बहार फिल्म का गाना है। आपको बताना है किसके स्वर में है ये गाना। और चाहे तो आप गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। की गुलाब जूही चंपक बन फूले खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपन कंत गौरी गरवाल गाए झूलना में बैठ आज पी के संग झूले खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले गल गल कुंज कुंज गल गल कुंज कुंज गुन गुन भारों की गुंज राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग पूजल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले गुलाब जूही चंपक बन फूले केत की गुलाब जूही चंपक बन चंपक बन फूले केत की गुलाब
जूही चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरवा लगा झुलना में बैठ आज पीके संग झूले पीके संग झूले केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोदी मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोदी चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीश झुके चल चल लट गालन को छूले गालन को छूले केत की गुलाब केत की गुलाब जो बसंत बहार फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। हमने पूछा था किसके स्वर में है ये गाना, सभी श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब दिया है, पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे के स्वर थे। और गीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत जानकारी दी है लेकिन कुछ श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। अब रजनीगंधा फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है नायक और नायिका का नाम। हमें ये सुझाव दिया है हमारे एक श्रोता ने, इन्होंने लिखा है कि हीरो हीरोइन की बजाय आप नायक नायिका का आज प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए तो बताइए नायक और नायिका का नाम। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन पिया की
मेरे अनुरागी मन में। रजनीगंधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमने नायक और नायिका का नाम पूछा था, अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है इसका। एक श्रोता ने लिखा है कि महादेवी वर्मा की कविताओं में जीवन के राग हैं, विरह की वेदना के साथ साथ प्यार का उल्लास भी है। उन्होंने अपनी कविताओं में नारी जीवन के हर रंग को उकेरा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज महादेवी वर्मा की याद का दिन है, हमारे मित्र ने चार पंक्तियां लिखकर भेजी है जो इस मंच पर लिख रही हूँ। महादेवी वर्मा की कविता कुछ यूं है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये शायद आपने छोड़ दिया था, चलिए पूरा कर दिया। अब बताइए हमें किसकी रचना है ये। फिल्म है कादंबरी और पहचानिए स्वर, रचनाकार का नाम और स्वर। कादंबरी फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। हमने पूछा था किसकी रचना है और स्वर किसका है, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। अमृता प्रीतम की रचना थी और स्वर था आशा भोसले का। अब गाना सुनकर आपको बूझना है फिल्म का नाम।
प्रतिबिंब मेरी आशा का तुम संतोष हो मेरा। आलिंगन सुंदर सपनों का खुशियों का कोश हो मेरा। फिल्म थी मनपसंद और यही हमारा सवाल था, इसका भी जवाब सभी श्रोताओं ने सही दिया है। अब हमारे आखिरी गाने का सही उत्तर दीजिए और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, प्रेम पर्वत फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। पर्वत फिल्म का गाना था, जानिसार अख्तर के बोल थे, जयदेव का संगीत था। यही था प्रोग्राम का आखिरी गीत। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।